दोस्तों आज के इस वाली वीडियो में हम लोग आप लोगों के लिए इंडिया के टॉप 5 बेस्ट ओरिएंट कंपनी के एयर कूलर लेकर आए हैं अंडर 15,000 रुपीज़। सो दोस्तों अगर आप लोग भी अपने फैमिली के लिए ओरिएंट कंपनी के एयर कूलर को बाई करना चाहते थे तो ये वाला वीडियो खास आप लोगों के लिए ही होने वाला है। दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं सभी प्रोडक्ट की बाई के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ इस वीडियो में मैं आगे आप लोगों के साथ क्या क्या डिस्कस करने वाले हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बायर गाइड बताऊँगी, उसके बाद टॉप बेस्ट प्रोडक्ट दिखाऊँगी जो मैंने आप लोगों के लिए खास सेलेक्ट किया है, एंड लास्ट में कंक्लूशन बताऊँगी मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को लग रहा है ये सारी चीज़ आप लोगों को पहले से पता है सो दोस्तों नीचे आप लोगों को टाइम स्पेंड मिल जाएगा, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके इस वीडियो के किसी भी पोर्शन में जंप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन मार्केट से या फिर ऑफलाइन मार्केट से ओरिएंट कंपनी के एयर कूलर को बाय करने के लिए जाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को एयर कूलर का टाइप जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर कूलर चार प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल एयर कूलर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का जो रूम है वो स्मॉल है और एक दो लोग रहते हैं तो उस टाइप के रूम के लिए इस टाइप का एयर कूलर सूटेबल रहता है। सेकेंड रहता है डेजर्ट एयर कूलर। अगर आप लोगों के पास बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े रूम को कूल करने के लिए आप लोग एक एयर कूलर बाई करना चाहते हैं तो आप लोग इस एयर कूलर को बाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आता है टावर एयर कूलर। ये मीडियम साइजेस के रूम के लिए बनाया गया है और ये दिखने में थोड़ा सा टावर के शेप का होता है। उसके बाद लास्ट आता है विंडो एयर कूलर। ये सेम टू सेम विंडो एसी की तरह ही होता है। दोस्तों उसके बाद आपको ये देखना चाहिए आप लोग जो भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं वो किस टाइप के मटेरियल से बनाया गया है। यहाँ पर मटेरियल भी चार प्रकार के हैं, एक होता है आयरन का, उसके बाद आता है वुड का, उसके बाद प्लास्टिक का, उसके बाद फाइबर का। सबसे ज़्यादा सेल होता है मार्केट में प्लास्टिक का, तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों के पास जो भी एयर कूलर आ रहा है उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, मटेरियल ऑब्वियसली तो गुड क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए, तो मटेरियल के हिसाब से प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकती है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए वहाँ पर आप लोगों को कैस्ट्रोल व्हील मिल रहा है या नहीं, मेरे ख्याल से तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए आप लोग जिस भी यहाँ पर एयर कूलर को बाई कर उसके साथ आप लोगों को किस टाइप के पैडिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं सिंपल भाषा में बता दूँ, पैडिंग दो प्रकार की होती है, एक होता है उडूल का और दूसरा होता है हनीकॉम्ब का। तो जो उडूल का पैडिंग होता है इस टाइप के जो भी एयर कूलर होते हैं इस टाइप के एयर कूलर आप लोगों को मार्केट में चीप प्राइस पर मिल जाते हैं और ये हार्डली आप लोग 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हनीकॉम्ब वाले पैडिंग वाले एयर कूलर होते हैं ये बहुत ज़्यादा महंगा होते हैं उडूल पैडिंग वाले एयर कूलर के मुकाबले में, और यहाँ पर आप लोग इस टाइप के एयर कूलर को 5 से 7 साल तक चला सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पर ये जो उडूल वाले पैडिंग होते हैं ये दिखने में थोड़ा सा ग्रास ग्रास टाइप का होता है, और वहीं बात करें हनीकॉम्ब वाली पैडिंग की तो यहाँ पर ये दिखने में थोड़ा सा मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है। अब बात कर लेते हैं मेंटेनेंस फीस की। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर अपने पैसे बचाना चाहते हैं और अच्छे लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए आप लोग एक एयर कूलर बाय करना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से सजेशन यही रहेगी आप लोग एक हनीकॉम पैडिंग वाले एयर कूलर को बाय कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर उडूल पैडिंग वाले जो यहाँ पर एयर कूलर आते हैं ये भी अच्छे हैं, इसकी प्राइस कम है लेकिन इसके जो पार्ट्स का प्राइस है वो भी कम होता है। जब ये ख़राब होने लगता है तो धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, इसके पार्ट्स का प्राइस ज़्यादा नहीं होता, आप लोगों के थोड़े थोड़े पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट होते रहते हैं और आपको पता नहीं चलता कि आप लोगों के कितने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट हो गए। तो धीरे धीरे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा परिमाण में पैसे इसके ऊपर इन्वेस्ट हो जाते हैं। और वहीं बात करें हनीकॉम पैडिंग वाले एयर कूलर की तो यहाँ पर इस टाइप के जो भी एयर कूलर होते हैं ये बहुत जल्द ख़राब नहीं होते बट इसके पार्ट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से मेरी आप लोगों से रिकमेंडेशन ही रहेगी कि आप लोग यहाँ पर हनीकॉम पैडिंग वाले एयर कूलर को ही बाय कीजिएगा। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। एंड दोस्तों आप लोग ये चीज़ चेक कीजिएगा कि आप लोग जो भी यहाँ पर एयर कूलर बाय करें उसको आप लोग अपने इन्वर्टर के घर के जो भी इन्वर्टर होते हैं उसके साथ कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, यानी होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। उसके बाद आपको ये देखना चाहिए, ये जो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग यहाँ पर जिस भी एयर कूलर को बाय करें उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होगी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वहाँ पर आप लोगों को आइस चैम्बर मिल रहा है या नहीं, मिलेगा तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। एंड दोस्तों प्रोडक्ट की कुछ डिटेल हम लोग स्किप करें वरना ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आप लोग चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके बाकी डिटेलिंग रीड कर सकते हैं। आप लोगों की इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बाय कर लेना चाहिए।
दोस्तों आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है ओरिएंट कंपनी की तरफ से। यहाँ पर आप लोगों को पर्सनल एयर कूलर देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पर 16 लीटर की आप लोगों को कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 7000 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 4-way कूलिंग देखने को मिल जाती है और उसी के साथ कैस्ट्रोल व्हील का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फुल शॉक प्रूफ ABS प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की वेट की, तो 8 kg प्रोडक्ट का वेट है। यहाँ पर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाता है, आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ऑटो वाटर फिल का फीचर देखने को मिल जाता है। एंड मुझे इस प्रोडक्ट में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है इसको आप लोग अपने होम इन्वर्टर की मदद से भी चला सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों मेरे ख्याल से देखा जाए तो अगर आप लोग कम प्राइस पर फर्स्ट टाइम आप लोग एक पर्सनल एयर कूलर बाय करना चाहते हैं ओरिएंट कंपनी का, तो ऑब्वियसली आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ये कम प्राइस पर बेस्ट है। दोस्तों हमारा अगला प्रोडक्ट भी आता है ओरिएंट कंपनी की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 30 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर आप लोगों को 4-way कूलिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक से बनाया गया है। यहाँ पर आप लोगों को 3-speed मोटर का भी फीचर देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसका जो प्राइस है वो 7000 रुपये है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को वाटर लेवल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। डस्ट फिल्टर का भी फीचर देखने को मिल जाता है, एंटीबैक्टीरियल का फीचर भी देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों उसी के साथ यहाँ पर भी आप लोगों को 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों प्रोडक्ट की कुछ डिटेलिंग हम लोग स्किप कर बनाए, ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग चाहते इस वीडियो को पॉज करके प्रोडक्ट की बाकी डिटेलिंग रीड कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर कंपेयर करें इसको फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट के साथ, तो मेरे ख्याल से सेकंड नंबर का प्रोडक्ट सेम प्राइस पॉइंट पर बेस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को फीचर भी ज़्यादा मिल रहा है और उसी के साथ कैपेसिटी भी ज़्यादा मिल रहा है। बट अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि आप लोग अपने होम इन्वर्टर की मदद से आप लोग एयर कूलर को चला सके, तो आप लोग फर्स्ट नंबर के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को बहुत सारे फीचर और बहुत सारी कैपेसिटी चाहिए, स्टोरेज चाहिए, तो ऑब्वियसली आप लोग सेकंड नंबर के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, आप लोग चाहे तो इन दोनों में से कोई सा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। एक सेकेंड कि आप लोग ऑनलाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर आप लोग उस प्रोडक्ट की रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वाली वीडियो हमारे वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो हमारी तरफ से आप लोगों को कैश आउट दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैश आउट मिल चुका है एंड यहाँ पर भी आप लोगों को 100% कैश आउट मिलेगा ही मिलेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों हमारा अगला प्रोडक्ट भी आता है ओरिएंट कंपनी की तरफ से। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे 12,500 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डिजर्ट एयर कूलर देखने को मिल जाता है। और बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की, तो 50 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों को ग्रे एंड ऑरेंज कलर में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को हनीकॉम पैडिंग देखने को मिल जाती है, आइस चैम्बर का फीचर देखने को मिल जाते हैं, मॉस्किटो रिप्लीमेंट चैम्बर देखने को मिल जाता है, और उसी के साथ यहाँ पर 4 कैस्ट्रोल व्हील एंड 3-speed मोटर का फीचर देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। मुझे इस प्रोडक्ट में कमी लगी कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिटेलिंग बताई नहीं गई है। दोस्तों अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, तो सभी डिटेलिंग एक बार चेक करके तभी प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इनमें से कोई सा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो सभी प्रोडक्ट की बाय की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। हमारे अगले प्रोडक्ट थे ओरिएंट कंपनी की तरफ से। ये प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट 11,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को डिजर्ट एयर कूलर देखने को मिल जाते हैं, वो भी 66 लीटर की कैपेसिटी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बात है इस प्राइस पॉइंट पे। एंड दोस्तों उसी के साथ बात कर लेते हैं इसके मटेरियल की, तो इसका मटेरियल प्लास्टिक से बनाया गया है। 3-speed मोटर का फीचर देखने को मिल जाता है, आइस चैम्बर देखने को मिल जाता है, क्विक कूलिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट भी अच्छा है, बट इसकी भी ज़्यादा डिटेलिंग बताई नहीं गई है, तो अब इसलिए आप लोग एक बार चेक करके थर्ड प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा। हमारा आज का आखिरी प्रोडक्ट है ओरिएंट कंपनी की तरफ से। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट आप लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट 11,500 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को डिजर्ट एयर कूलर देखने को मिल जाते हैं,
वो भी 70 लीटर की कैपेसिटी के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोगों को कैस्ट्रल व्हील देखने को मिल जाता है, 4-way कूलिंग देखने को मिल जाता है, एयर थ्रो डिस्टेंस देखने को मिल जाता है, 3-speed कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाता है, उसी के साथ 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। दोस्तों मेरे ख्याल से अगर कंपेयर करें इसको 4 नंबर प्रोडक्ट के साथ, तो अगर आप लोगों को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए ना, तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ पर आप लोग 5 नंबर के प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। बट 4 नंबर का प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है, बट दोनों प्रोडक्ट में मुझे एक ही चीज़ कमी लगी, इन दोनों प्रोडक्ट की ही ज़्यादा डिटेलिंग बताई नहीं गई है। तो अगर आप लोग इनमें से कोई सा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, तो सभी डिटेलिंग को आप लोग एक बार चेक करके अच्छे से तभी प्रोडक्ट को बाय कीजिएगा। दोस्तों मैंने अभी तक यहाँ पर आप लोगों को जो भी प्रोडक्ट दिखाया, सभी प्रोडक्ट अपनी जगह पर बेस्ट है, आप लोग चाहे तो इनमें से कोई सा प्रोडक्ट बाय खरीद सकते हैं। दोस्तों ये कभी पेड स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये हमारा खुद का चैनल कंटेंट है। यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए जो वीडियो जो प्रोडक्ट लेकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च होता है, उसके बाद ही हम लोग आप लोगों तक ये सारे वीडियो वीडियो सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन चली जाए एंड आप उन वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इनमें से कोई सा प्रोडक्ट बाई करना चाहते हैं, तो सभी प्रोडक्ट की बाई लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इन प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारी वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट करके इन प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों क्या आप लोग भी ऑनलाइन के किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं, अगर आप लोग उस प्रोडक्ट की रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वाली वीडियो हमारी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो हमारी तरफ से आप लोगों को कैश दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कैश ऑर्डर मिल चुका है, एंड यहाँ पर भी आप लोगों को 100% कैश ऑर्डर मिलेगा ही मिलेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आई बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। दोस्तों अगर अभी भी आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, डाउट है कि किस तरीके से आप लोग गिरी वाली वीडियो को शूट करते हैं, कैसे हमारे वेबसाइट पर साइनअप करते हैं, कैसे आप गिरी वाली वीडियो को हमारे साइट पर अपलोड करते हैं, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है। सो अगर हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से हमारे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे उस टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की। सो दोस्तों ये जो वीडियो है यहीं तक था, मिलते हैं कौन एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।